लड़कियों की लेग्स दिख जाएंगी नीचे करके ऐसे करके नहीं बिल्कुल अपोजिट जा रही है पर ये मीम तो मेरे को भी नहीं पता क्या मुझे लगा खारी शुरू ओए करेक्ट गेस ये क्या बूब से मतलब क्या हाय गाइस वेलकम बैक टू द चैनल और आज हम करने वाले हैं शोइंग गर्ल्स मीम दैट ओनली बॉयज कैन अंडरस्टैंड तो शुरू करते हैं पहला मीम है आपकी स्क्रीन पे सबसे पहले बताओ कि ये क्या है पता है शायद पता है? शायद क्या है जब वो क्रिकेटर वही है करेक्ट इसको बोलते हैं एलगार्ड और क्रिकेटर्स यूज करते हैं नी पैड नी पैड इट्स नॉट ए नी पैड इट्स समथिंग एलगार्ड एलगार्ड जो कि आपकी सेफ्टी रखता है तो नेक्स्ट मीम ये रहा आपकी स्क्रीन पे इसका मतलब समझाओ जो मैं सोच रही हूँ वो तो है ही नहीं है तो मेरे को भी पता है तो क्या है सोच के रही कुछ तो बता ये क्यों लिख रहा है पता नहीं कुछ तो बता लड़के हमेशा साथ नहीं साथ में नहीं साथ में नहीं थोड़ा जोर से बोल अलग अलग करते हैं क्या ये क्लोज जा रही है कुछ तो कर दिया क्या अच्छा एक बंदा दूसरे का नहीं देखना चाहता इसलिए हाँ थोड़ा थोड़ा वो ही है मतलब एक होता है ना कि ये एक ऐसी चीज है जो कभी हमें सिखाई नहीं जाती पर ये हम फॉलो करते हैं पहले में ये लिखा है करेक्ट कि मतलब कभी भी कोई कर रहा है वॉशरूम तो एक स्टेप छोड़ के करो और ओनली इमरजेंसी इसलिए लिखा है कि अगर दो पहले से कर रहे हो और आपको इमरजेंसी है तो आप जा सकते हो रुका नहीं जा रहा लेकिन अगर दूसरा खाली है तो बीच में जा रहे हो वो बिल्कुल मत करना क्योंकि ये बिना बोले एक रूल है कि जाओ और गैप तो दे दिया करो यार सो नेक्स्ट मीम है हमारे पास ये आपकी स्क्रीन पे इसका मतलब कुछ स्विच जो होता है जो मतलब जैसे इसमें लिखा है व्हाट्स रॉन्ग विद दिस क्या इससे गलत क्या है इसमें ये जो मूवी नहीं थ्री इडियट्स पे मूवी जो है वो वॉशरूम करता है वो जो रैगिंग लेने लगते हैं उससे क्या होगा नहीं मैं बताऊं ये क्या ये ऐसे लड़की का ऐसे फिगर टाइप ऐसे लग रहा है ना प्रिया गेस कर दिया व्हाट्स रॉन्ग विद दिस इसमें क्या गलत मैं समझने की कोशिश कर रही हूं रुक जा तो भाई इधर एग्जाम नहीं चला 3 घंटे का मुझे पता नहीं चल पर मुझे तो सर्किट जैसा लग रहा है क्या गलत है इसमें क्या पेज कलर डाले हैं क्या ये क्या बूब से मतलब क्या है जरूरी सुनो एक हिंट दे रहा हूँ इसमें कुछ भी 18 प्लस लड़की से रिलेटेड कुछ भी 18 प्लस नहीं है ओनली बॉयज विल नो व्हाट्स रॉन्ग विद दिस पिक्चर गलत क्या है Actually, क्या जी मेरे को तो ये जो दो गोल गोल है वो उल्टे लगे हैं यार देख तू खुद बता यार क्या क्या इंजीनियरिंग का है ये कुछ yes, इंजीनियरिंग का ये उल्टे लगे हुए हैं यार एक ऐसे अब मैं सीधा सा बता रहा हूँ अब मैं सही आंसर बता रहा हूँ कि कभी भी ना वायर्स जो होती है वापस में उनको मिक्स कर दोगे तो शॉर्ट सर्किट ऐसा होगा ना इतनी जोर के धमाका होगा इनको टच नहीं करवाते दो वायर्स को तभी वो अलग एक रेड में आती है ग्रीन में येलो में आती है मैंने भेजा तेरे को तो समझ नहीं आया नेक्स्ट मीम आ चुका है आपकी स्क्रीन पे गाइज पीसी और गाइज वार्डरोब क्या समझे मतलब मैक्सिमम टाइम बॉयज के कपड़े ब्लैक ही होते हैं और जो स्क्रीन होती है वो बहुत कलरफुल होती है मतलब कंप्यूटर की स्क्रीन काफी कलरफुल जैसी है मतलब हमें आरजीबी लाइटिंग आरबीजी लाइटिंग आरजीबी आरबीजी आरजीबी इसमें आपको काफी दिमाग चलाना पड़ सकता है क्योंकि बहुत अच्छा है समझ आया बोल लड़के जो वॉशरूम है मतलब ऐसे मैक्सिमम टाइम सुना मतलब सुना ही है कि मतलब वो जो होल होता है उसके ऊपर ही टारगेट रखते हैं ऐसे क्रिस क्रॉस बनाते हैं या टारगेट रखते हैं इसका ऐसा कुछ इसका टोटल मतलब क्या पूरे पूरे का समझा अगले में गन है ना उसमें वो भारत तो चुप रहे ज्यादा मत बोल मतलब टारगेट ही होता है कि वो सामने डले जो फर्स्ट वाले का है आवाज नहीं आई इसलिए ओए गेस कर दिया करेक्ट गेस शुरू में अगर आप मतलब प्रॉपर हो टारगेट करोगे तो साउंड आता है और साइलेंसर लग गया मतलब आवाज नहीं आई नीचे राइफल है शायद और ऊपर राइफल नहीं इसमें साइलेंसर लगा है तूने कैसे गेस किया बिना साइलेंसर के ये साइलेंसर होते से आवाज नहीं आती नेक्स्ट मीम आ रहा है What's this? ये तो सुबह ही मनाए हुए सारे तो कैसे समझ लिया पहले वॉशरूम सीधा सीधा जा लगता है ठीक है जब खत्म होने लगता है तो बहुत स्लो स्लो डाउन करके स्लोप गिर जाती है नीचे लास्ट सुसु सेकंड लास्ट क्या है क्यों बहुत बड़ी लाइन होती है सेकंड लास्ट का मतलब समझाओ हमें
मतलब देख पता क्या होता है पहले ऐसे ऐसे ज्यादा था कम 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 ज्यादा कम ये होता है प्रोसेस ठीक है एंड में मतलब एंड होने से पहले एक बार ज्यादा तो नेक्स्ट मीम ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्या मतलब वो गिर जाए तो फिर ऐसे बोलते हैं नाइस फ्लोर मुझे लग रहा है लड़कों से थोड़ी दूरी है किसी से मैं बोलूं इससे इंपैक्ट होगा नहीं इस बात पर चलो लड़कियों की लेग्स दिख जाएंगी नीचे करके ऐसे करके बिल्कुल अपोजिट आ रही है अपोजिट नहीं वो देखते हैं जब आप देखने के सच हां मतलब ठीक बोला अगर आगे लड़की चली हो तो वो देखेंगे नहीं मतलब हां क्योंकि अगर आप सीढ़ी पे चढ़ रहे हो और लड़की आपसे आगे चल रही है तो हम उड़े पर देखेंगे ताकि कुछ गलत ना हो अगर लड़की को वो लड़की पसंद होगी तो वो देखेगा या नहीं नहीं देखता ये काइंड ऑफ मतलब एक रिस्पेक्टफुल होता है कि हां हमें नहीं देखना है जब आप जो अगला मीम है वो अगर आपने हमारा ऑकवर्ड पार्ट 2 देखा होगा तो याद आएगा लेफ्ट हैंड वाला उसी ने बोला था मेरे को लगता था कुछ बहुत गंदा बोला है तुमने तो क्या है इसका मतलब नहीं रुक जा एक सेकंड रुक क्या समझी था लेफ्ट हैंड क्या कुछ समझ नहीं आया इसको कुछ समझ नहीं आया इसको बता कुछ बहुत गंदा था क्या गंदा था क्यों ये लेफ्ट हैंड क्या है ये क्या हो रहा है कुछ नहीं पता है गाइस बोल रही है मैं समझ गई थी गाइस ऐसे बोल रहा है क्या है ये तो समझा राहुल बताओ अरे शायद इसका एक हाथ बिजी हो सही है ओ माय गॉड कुछ भी कर सकता है उसका राइट हैंड अभी बिजी है क्या था कुछ खा रहा हो कुछ कर रहा हो वो तुम्हारे ऊपर है जो तुम्हें सोचना है सोचो अच्छा नेक्स्ट मीम में आपकी स्क्रीन पे काफी मुश्किल हो सकता है ये यार ये पहले गैस कर ये 18 प्लस है ये इतना ही इतने पता देखो बस 18 प्लस है बाकी नहीं पता ये मास्टरबेशन का है यार हां एक्चुअली ये ना एकदम मतलब जब आप क्लाइमेक्स सीन है तो हाँ सरल भाषा में और क्या सर बोले सर नेक्स्ट अगला तो बहुत इजी है रुक जाओ बोलना मत रुक जाओ प्रिया को समझ आया रुको भाई मेरे को कुछ नहीं समझ आया मेरे को तो लगा कि इनके हाथ से कीटाणु निकले और वो हाथ पे इतने ज्यादा बाल थे कि कीटाणु के सिर पे भी बाल आ गए या तो फिर से हम आंसर लेंगे ये ना समर्स में ऐसे दूर दूर इसलिए गर्मी होती है और वे है क्या बोलिए गाइस मुझे पता मैं बोल नहीं सकती हूँ बॉल्स बॉल्स को टेस्टिकल हाँ नेक्स्ट मीम एक एक करके अच्छे से समझाने की समझ आया नहीं आया सेकंड वाली मेरे को लगता है बॉयज रिलैक्स फील करते हैं ऐसे बैठ के और ऐसे उनको दर्द हो रही होगी कहाँ पे क्या हो रहा है ये सामने क्या है क्या ऐसा रिलेट क्यों हो रहा है पोजीशन बदल जा रही है क्या मुझे लग रहा है जो पिछले मेम कॉन्सेप्ट था ना वो ऐसे हो जाते हैं अगर ऐसे बैठेंगे ऐसे क्लोज वेरी बिल्कुल पोजीशन ऑफ टेस्टिकल्स आप कैसे बैठते हो नेक्स्ट मीम आपकी स्क्रीन पे ये रहा करेंगे तो
क्या बोलते हैं वो जो मुझे लग रहा था यहाँ पे हवा चल पड़ी है तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, रिश्तेदारों तक ना पहुंचे कोशिश करें कि रिश्तेदारों तक ना पहुंचे। तो तब तक के लिए बाय।